बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पेंशनर्स के लिए, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम मासिक पेंशन दोगुना कर सकती है सरकार। सरकार पर ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति की तरफ से मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3000 से 7500 रुपये करने का दबाव है। हाल ही में संसदीय समिति ने भी सरकार से ईपीएस 95 स्कीम की समीक्षा करने को कहा था। समिति ने कहा था कि केंद्र को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर विचार करना चाहिए। श्रम पर संसद के स्थायी समिति के 34वें रिपोर्ट सदन में पेश की गई। समिति का मानना है कि 1000 रुपये की पेंशन बहुत कम है और इससे पेंशनर्स की हर महीने की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो आपको बता दें कि काफ़ी जो है दबाव सरकार के ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आपको बता दें कि उम्मीद यही की जा रही है कि जो पेंशनर्स हैं उनका जो न्यूनतम मासिक पेंशन है वो बढ़ा के दोगुना किया जा सकता है। तो अभी तक अगर जिसका पेंशन 1000 रुपये था उसे 2000 मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जो ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति है और उस और बाकी जो संस्थाएं हैं जो ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर्स की संघर्ष समितियाँ हैं उस उनका दबाव है कि उसे बढ़ा के 3000 या 7500 किया जाए। तो ये दबाव है सरकार के ऊपर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और ये बड़ी खबर निकल के आती है, आपको बता दें कि ये लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट है और ये जो है नेशनल मीडिया के द्वारा कवर किया गया अपडेट है जो कि मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाता है या कोई अपडेट निकल के आएगी। जो भी अब इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर होंगे। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बेल आइकन को प्रेस करके, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।